साथियों नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ो। मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं कानून से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू हो जाने के बाद हम इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से एफआईआर का आदेश करा सकेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब कभी भी हमारी एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज नहीं होती तो हमें न्यायालय की शरण लेनी होती है, और न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर के हम मजिस्ट्रेट से एफआईआर का आदेश कराते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएगा, और हम धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट से एफआईआर का आदेश नहीं करा सकेंगे। तो मित्रों, 1 जुलाई 2024 के बाद हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत माननीय न्यायालय में एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे, और इसी धारा के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह प्राथमिकी दर्ज कर अन्वेषण का आदेश दे सकता है। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।